की YouTube चैनल पर फ्रेंड मैं मुकेश आप सभी का बाल मनोविज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड यदि आप उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं भी सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले फ्रेंड, तो इसलिए आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वयं जुड़ेंगे और सभी साथियों तक शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है उसी को हमें चूज करके सही विकल्प का चयन करना है। चलिए फ्रेंड पहला क्वेश्चन है कि कौन सा जो कथन हमारा स्टेटमेंट है सही नहीं है। ए, अभिवृत्तियाँ हमारी पहचान को स्वरूप प्रदान करती हैं। आवृत्ति निर्माण में परिवार का प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ता है। सीखना आवृत्तियों के अर्जन में सहायक है। आवृत्तियाँ समझाने एवं बातचीत द्वारा परिवर्तित हो नहीं सकती। बताया फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या है। फटाफट सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करके बताएं कि कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। फटाफट सभी साथी आंसर करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए डी डी डी। जी हाँ चलिए फ्रेंड विकल्प नंबर डी एक अभी आंसर आया। सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आवृत्तियाँ हमारी पहचान को स्वरूप प्रदान करती हैं। आवृत्ति निर्माण में परिवार का प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ता है। सीखना आवृत्ति अर्जन में सहायक है या आवृत्ति समझाने एवं बातचीत द्वारा परिवर्तित हो ही नहीं सकती। फ्रेंड विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि यही कथन यहाँ पर गलत है। बाकी सारे कथन बिल्कुल सही हैं। मतलब कहने का यही सही नहीं है, बाकी सारे कथन बिल्कुल सही हैं। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे किस प्रकार के अधिगम, जी हाँ फ्रेंड किस प्रकार के अधिगम में एक नया व्यवहार सीखा जाता है मगर प्रदर्शन नहीं किया जाता है जब तक कि कोई पुनर्बलन प्रदान नहीं किया जाए। जी हाँ फ्रेंड कह रहा है किस प्रकार के अधिगम में एक नया व्यवहार तो सीखा जाता है लेकिन प्रदर्शन तब तक नहीं किया जाता तब तक कोई प्रबलन न दिखाई दे न प्रदान किया जाए। क्या यह अव्यक्त अधिगम होता है, क्या यह अंतर्दृष्ट अधिगम होता है, क्या यह सामाजिक अधिगम होता है, क्या यह शाब्दिक अधिगम होता है। बताएं फ्रेंड किस प्रकार के अधिगम में ऐसा होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड किस प्रकार के अधिगम में ऐसा घटना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए अपने आंसर कमेंट करिए फ्रेंड क्या इसका सही जवाब। कह रहे हैं कि आप अधिगम तो हो रहा है, आप चीज़ों को सीख रहे हैं मगर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मगर वह प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है जब तक कि तब तक कोई पुनर्बलन या प्रबलन न कार्य करे। बिल्कुल विकल्प नंबर ए बी सी लगभग सारे कमेंट आ चुके हैं इस क्वेश्चन के लिए। जी हाँ ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी आ चुका है और डी भी किसी ने कमेंट कर दिया है। तो चलिए सभी लोगों के कमेंट आ चुके हैं। जब भी लोग पहले एक बार पूरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी साथी हमारे लाइव हैं सभी साथी फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट तुरंत जल्दीबाजी में। जी हाँ यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड वह अव्यक्त अधिगम होता है। कहने का मतलब फ्रेंड जब हम बात करते हैं अधिगम में मतलब हो रहा है, अधिगम हो रहा है लेकिन प्रदर्शन नहीं हो रहा मतलब कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहा तो उसको हम अव्यक्त अधिगम की संज्ञा देते हैं फ्रेंड। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि जब भी कोई प्रदर्शन तो नहीं होता है तो उसको हम अव्यक्त अधिगम देते हैं और जब कोई प्रदर्शन तो होता है उसे व्यक्त अधिगम की संज्ञा दी जाती है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो साथी क्लास से अभी जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों का क्लास में स्वागत है, वेलकम है, सभी को नमस्कार, राधे राधे। क्लास प्रारंभ हो चुकी है, आप सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नज़रियों से सराहना करने में सक्षम नहीं होता जिसे कहते हैं विकेंद्रण, अहम केंद्रित वृत्ति, अंतः प्रज्ञात्मक विचार या जीवन। यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस पर तो स्टार लगा रखिएगा भाई साहब, यह निश्चित तौर पर आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। कह रहे हैं एक बच्चा जब केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरे के नज़रियों की सराहना करने में सक्षम नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप
यदि मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के नाम से परिचित होंगे तो यह क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। जिन साथी ने मनोविज्ञान में जीन पियाजे के बारे में चर्चा किया है उनके लिए क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। चलिए आंसर भी आपके आने प्रारंभ किया, बेहद बिल्कुल सभी के जवाब सही हैं। यह अहम केंद्रित विचार कहता है जीन पियाजे जी ने इस तथ्य को परिभाषित किया है कि जब बच्चा अपने अनुसार दुनिया को देखता है, अपने अनुसार समाज को देखता है तो उसको अहम केंद्रित विचार कहते हैं। तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। हमारे काफ़ी सारे साथियों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है, सभी के जवाब 100% सही है। अगला, कक्षा में अंतर क्रिया के दौरान एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं दे पाते हैं, आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे? प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे व आगे बढ़ेंगे, अपनी अयोग्यता को स्वीकारेंगे और अगले दिन उत्तर देने का वादा करेंगे, विद्यार्थी को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए मना करेंगे, विद्यार्थी को इस प्रकार प्रश्न पूछने के लिए सजा देंगे। तो भाई बिल्कुल सिंपल था यह प्रश्न क्वेश्चन है, ये पेडागॉजी सेक्शन का क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि सभी साथी इसका बिल्कुल सही जवाब दें, क्योंकि एज ए टीचर आप सभी लोग भविष्य में भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपके हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा। आंसर के रूप में मैं देख पा रहा हूँ कौन से विकल्प आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोग सही हैं, मैं भी बिल्कुल सही हूँ, विकल्प नंबर बी वाले सभी साथी जरूर सही हैं। क्योंकि भाई कि जो चीज़ हमको नहीं आ रहा है उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा कि बच्चा मुझको यह चीज़ नहीं पता है, इस पर मैं डिटेल में आपको कल जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। ऐसी बातें करके उनका जो है क्या है उनके जिज्ञासा को शांत करेंगे और अगले दिन उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से यही बिल्कुल सही और सूटेबल विकल्प है। आप सभी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है, जी हाँ बी सबसे सही और सटीक आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड, चलिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। जी हाँ, कह रहे हैं सहपाठी द्वारा तंग किए जाने की शिकायत आपसे करती है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन सही करते हैं। जी हाँ, कह रहे हैं आज की कक्षा की एक छात्र सहपाठी द्वारा तंग किए जाने की शिकायत आपसे करती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जी हाँ फ्रेंड, यह आपके मानसिक उद्वेलन पर आधारित क्वेश्चन है फ्रेंड, मानसिक क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है, कह सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को पेडागॉजी क्वेश्चन कहा जाता है। तो बताइए फ्रेंड, छात्रा के अभिभावक को कहेंगे कि वे छात्र को सबक सिखाएं, या छात्र की शिकायत पर नज़रअंदाज कर देंगे, या छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन देंगे तथा छात्र के ऐसे विचार की निंदा भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देंगे तथा लिंग संवेदनशीलता को सिखाएंगे, लास्ट है छात्रा की कोई गलती ढूंढेंगे जिसके कारण छात्र सहपाठी उसे तंग करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल का क्वेश्चन है फ्रेंड, सुपर टेट के लिए भी यह क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि जो सिलेबस आपका यूपी टेट का है, जो सिलेबस आपका DSSSB का है, जो सिलेबस आपका KVS का है, जो सिलेबस आपकी अन्य स्टेट लेवल की परीक्षाओं की जो आपकी होती हैं टेट होता है, जैसे यूपी टेट होता है, यूके टेट होता है, पंजाब टेट होता है, राजस्थान टेट होता है, हरियाणा टेट होता है, मतलब सभी के सिलेबस जो होते हैं वह लगभग एक जैसे मेल खाते रहते हैं। इसलिए यह सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपी टेट है, चाहे आपका जूनियर सुपर टेट है, चाहे सुपर टेट है, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड, यही ऑप्शन को हम चूज करेंगे, उसकी कार्रवाई पर आश्वासन देंगे, मतलब कि हम छात्रों को समझाएंगे कि उचित कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ जो बच्चा ऐसा व्यवहार कर रहा है, जो बच्चा शरारत कर रहा है उसकी निंदा करेंगे, उसे डांटेंगे फटकारेंगे, साथ ही साथ भविष्य में ऐसा ना करे इसके लिए कुछ जरूरी उपाय भी करेंगे। तो विकल्प नंबर सी के साथ चलेंगे, जवाब हमारा और आप दोनों लोगों का बिल्कुल सही है, सी वाले सभी साथी बिल्कुल सही हैं। आगे, एक उच्च बुद्धि लब्धि वाला विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है, एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या होगा? उसे अच्छा परफॉर्मेंस करने तक इंतजार करें, उसके निम्न उपलब्धि के कारणों का पता लगाएं, परीक्षा में उसे गृह नंबर दे, उसके माता पिता से उसे विद्यालय से निकालने के लिए कहें। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जी हाँ, चलिए मिसप्रिंट हो गया, निकल गया। जानते हैं आप सभी लोग हमसे ज़्यादा जिज्ञासु, हमसे ज़्यादा जानकार हैं, तो हो सकता है निकल गया भाई जूनियर सुपर टेट। भाई नहीं पूछा जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन बागी परीक्षाओं में तो पूछा जाता है।
जी हाँ बिल्कुल, आप लोग पूरा ब्लैक बोर्ड नहीं देख रहे हैं, केवल ब्लैक बोर्ड पर एक जो बिंदु होती है उस बिंदु पर ध्यान आप सभी का है। कहते हैं ना कि व्यक्ति की पूरी अच्छाई नहीं देखी जाती, केवल उसकी बुराई देखी जाती है। मैंने इतने चीजों का नाम लिया, इतने सारे परीक्षाओं का नाम लिया। चलिए बात खत्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। विकल्प नंबर बी 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 बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर फ्रेंड, कि उसके निम्न उपलब्धि के कारणों का पता लगा फ्रेंड। क्यों बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्यों बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, इसके लिए सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण कराएंगे। और निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत फ्रेंड हम करते क्या है कि बच्चों की समस्याओं का पता लगाते हैं। जब समस्या की जानकारी हो जाती है तो उचित उपाय करके उपचारात्मक परीक्षण करके तत्पश्चात बालक में हम क्या करते हैं, विकास का समाधान ढूंढते हैं और बालक की जो प्रगति है उसमें सुधारात्मक परिवर्तन करते हैं। इसलिए विकल्प नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। यह क्लासेज प्रतिदिन आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल से मिलेंगे। तो प्रतिदिन जितने भी सारे चैनल पर नए फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, उद्दीपन प्रसूत व्यवहार संबंधित है फ्रेंड। उद्दीपन प्रसूत व्यवहार संबंधित है, प्रतिवादित व्यवहार से, स्वैच्छिक व्यवहार से, उत्तर्जित व्यवहार से या क्रियाप्रसूत व्यवहार से। फटाक से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, उद्दीपन प्रसूत व्यवहार किससे संबंधित है। कहने का मतलब फ्रेंड, उद्दीपन पर जो आधारित व्यवहार होता है वह किस पर आधारित होता है। जी हाँ, चलिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। डी 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 उद्दीपन की बात कर रहे हैं फ्रेंड, उद्दीपन की बात कर रहे हैं। तो उद्दीपन को बढ़ावा कौन देता है, उद्दीपन को बढ़ावा देते हैं आके एडवर्ड एल थानराय। मतलब थानराय महोदय का कहना यह है, मानना यह है कि जब तक कोई उद्दीपक नहीं होता है तब तक अनुक्रिया नहीं होती है। यदि बिल्ली को मछली मांस का टुकड़ा, मछली के टुकड़ा जो है मांस का टुकड़ा उद्दीपक रूप में नहीं दिखाया जाएगा जब तक, तब तक वह क्रिया नहीं करेगी। वहीं पर इसी प्रकार की क्रिया को वह स्वैच्छिक क्रिया का नाम देते हैं। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड, क्योंकि यह उद्दीपक को देखकर अपनी इच्छा अनुसार किए गए क्रिया है, इसीलिए इसको स्वैच्छिक क्रिया का नाम दिया जाता है, स्वैच्छिक व्यवहार का नाम दिया जाता है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी सारे साथियों ने समझ लिया क्वेश्चन को, बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों के आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बाकी सभी लोगों के आंसर लगभग लगभग अब सही हो चुके हैं। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, निम्नांकित में से किसने व्यवहार परिमार्जन, जी हाँ फ्रेंड, व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का अनुप्रयोग किया था। बी एफ स्किनर, कर्ट एव गुप्ता, मैक्स वर्दीमर या गैनी। निम्नांकित में से किसने व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का अनुप्रयोग किया था फ्रेंड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। जी हाँ, जहाँ बात आई व्यवहार में परिमार्जन पुनर्बलन की, जहाँ पर बात हुई फ्रेंड, तो अपने थियोरी में पुनर्बलन का प्रयोग करने वाले एकमात्र मनोवैज्ञानिक हैं बी एफ स्किनर, ब्यूहर ब्रॉयड स्किनर। जी हाँ, यूएसए के साइंटिस्ट हैं ये, यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1938 तथा 1943 दो क्रमशः प्रयोग किए थे। 1938 में इन्होंने चूहे पर, थोड़ा 1938 में इन्होंने जो है कबूतर पर, और 1943 में चूहे पर दो लगातार प्रयोग करके आरएस थियरी को प्रतिपादित किया था। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कोह का ब्लॉक, जी हाँ फ्रेंड, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उदाहरण है, शाब्दिक परीक्षण का, सृजनात्मक परीक्षण का, निष्पादन परीक्षण का या व्यक्तिगत परीक्षण का। बताए फ्रेंड, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किसका उदाहरण है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताए, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण फ्रेंड किसका उदाहरण है, शाब्दिक परीक्षण का, सृजनात्मक परीक्षण का, निदानात्मक परीक्षण का या व्यक्तित्व परीक्षण का।
बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है जल्दी से। और आप लोग अपनी संख्या फ्रेंड बढ़ाइए, थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए, सभी लोग धीरे धीरे बढ़िएगा। यदि आप अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे तो मैं इधर से प्रश्नों की संख्या में वृद्धि करूँगा, यदि आप लोग यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ से मैं भी कम करूँगा। तो करना आपको क्या है फ्रेंड कि जी हाँ, करना आपको है कि अपनी वीडियो को शेयर करना है। जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बस यहाँ भी प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। तो विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, निष्पादन परीक्षण का नाम दिया जाता है कोह के ब्लॉक डिजाइन परीक्षण को। तो विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सी आंसर कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए फ्रेंड, एक समूह स्थिति में सामान्यतः एक विद्यार्थी का परफॉर्मेंस समान रहता है, एक विद्यार्थी की परफॉर्मेंस समान रहती है, बेहतर होती है, क्षय होती है, ये इनमें से कोई नहीं। एक समूह स्थिति की बात कर रहे हैं, सामान्यतः एक विद्यार्थी की परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्या बढ़ती रहती है, क्या बेहतर होती है, क्या क्षय होता है, क्या इनमें से कोई नहीं। समूह की बात कर रहे हैं फ्रेंड, एक समूह में जो विद्यार्थी रहता है, स्थिति रहती है, उस स्थिति में विद्यार्थी के का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए बी 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 ए बी ए बी तो कमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर बी वाले साथी हमारे सही है भाई, बेहतर होती रहती है। कहने का मतलब फ्रेंड कि जब एक बच्चा एक समाज में रह रहा है, जिस समाज की स्थिति यदि बेहतर है, जिस समाज की स्थिति यदि अच्छी है, उसके अनुरूप है, समायोजन करना आसान है, तो वहाँ पर जो बच्चा का परफॉर्मेंस है वह दिन ब दिन बेहतर होता चला जाता है, न कि सामान्य रहता है। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, या फ्रेंड बेहतर होती जाती है। कहने का मतलब फ्रेंड, अगर आप बच्चे की का एक समूह, अच्छा समूह उसको आप देते हैं, तो दिन ब दिन बच्चा क्या होता है, जो सुधारात्मक होता है वह अच्छा से अच्छा होता चला जाता है। बिल्कुल फ्रेंड, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, निम्न परीक्षण में से कौन सा, जी हाँ फ्रेंड पूछा जा, निम्न परीक्षण में से कौन सा बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, कौन सा बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण, रोसा मातिक स्याही धब्बा परीक्षण, रोविनकृत प्रोग्रेसिव परीक्षण, या मनोनाटक। कौन सा बुद्धि परीक्षण है फ्रेंड, फटाफट बताइए कौन सा बुद्धि परीक्षण है। जी हाँ, केवल एक बुद्धि परीक्षण फ्रेंड, बाकी के आपके व्यक्तित्व परीक्षण यह भी जानते रहिएगा। एक यहाँ पर बुद्धि परीक्षण है, बाकी सारा यहाँ पर फ्रेंड व्यक्तित्व परीक्षण है। तो कौन सा बुद्धि परीक्षण है कमेंट करके बताइए फ्रेंड, कौन सा यहाँ पर बुद्धि परीक्षण है कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए फटाफट बताएं फ्रेंड। देखिए, प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण यह आपका व्यक्तित्व परीक्षण है, हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण यह भी आपका एक व्यक्तित्व परीक्षण है, मनोनाटक यह भी व्यक्तित्व परीक्षण है। तो जो फ्रेंड आपका सही जवाब है वह है विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 रेविनकृत प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, यह आपका एक प्रकार का इंटेलिजेंस आपका मेथड है, इंटेलिजेंस आपका मेथड है, मतलब परीक्षण है। तो विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र रचनात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, प्रोजेक्ट या दत्तकार। बात करें फ्रेंड रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त नहीं है, मतलब उपयुक्त नहीं है, जिसका प्रयोग हम रचनात्मक आकलन के अंतर्गत कर सकते हैं। तो फटाफट आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड, क्या बहुविकल्पी प्रश्न है, क्या मौखिक प्रश्न है, क्या प्रोजेक्ट है, या दत्तकार है। जी हाँ, रचनात्मक की बात कर रहे हैं, तो रचनात्मकता कहने का मतलब क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, जहाँ से नवीनता उत्पन्न हो, जहाँ से नवाचार की स्थिति उत्पन्न हो। तो मौखिक प्रश्न कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं, दत्तकार। इन सारे से आपके, इन तीनों जो हैं इनसे आपके रचनात्मक आकलन किए जा सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में रचनात्मक आकलन करना संभव नहीं है, यहाँ पर योगात्मक आकलन करना संभव है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों की स्थिति का पता लगा सकते हैं, उनकी क्रियात्मक सोच का पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बहुविकल्पी प्रश्न का यहाँ पर विकल्प नहीं है, उपकरण ये नहीं है।
आगे बढ़िए फ्रेंड, निम्न में से कौन हल के प्रबलन सिद्धांत का दूसरा नाम नहीं है फ्रेंड? जी हाँ, सी एच हल। जी हाँ, सी एच हल प्रबलन का जो सिद्धांत दिया है, इसका कौन सा दूसरा सिद्धांत का नाम नहीं है? गणितीय सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, जैविक अनुकूलन सिद्धांत, समीपता अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा हल के सिद्धांत का दूसरा नाम नहीं है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं कि हल के पुनर्बलन सिद्धांत का दूसरा नाम नहीं है गणितीय सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, जैविक अनुकूलन सिद्धांत या समीपता अनुबंधन सिद्धांत। फटाफट आंसर कमेंट करता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अरे भाई, यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है फ्रेंड। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत को गुथरी ने दिया है, इसको गुथरी ने दिया है। बाकी गणितीय सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, जैविक अनुकूलन सिद्धांत, यह सारे हल्के सिद्धांत के ही नाम है, जिसको पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत कहा जाता है। इसको पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत कहा जाता है। समीपता अनुबंधन को सिद्धांत को गुथरी ने दिया है, यही इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, डी द राइट आंसर। समीपता अनुबंधन सिद्धांत बिल्कुल अलग है। आगे बढ़िए फ्रेंड, विनय के अनुसार जिस उच्चतम आयु स्तर पर सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है वह कहलाता है? टर्मिनल वर्थ, आधार वर्थ, क्रेडिट वर्थ या वास्तविक आयु? यह फ्रेंड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कर बताइए कि विनय के अनुसार। जी हाँ, अल्फ्रेड विनय, जिन्होंने सर्वप्रथम 1905 में पहली बार बुद्धि का परीक्षण किया था, उनके अनुसार उच्चतम आयु स्तर पर सभी प्रश्नों को बालक यदि सही हल कर लाता तो वह अवस्था क्या कहलाती है? टर्मिनल वर्थ कहलाती है, आधार वर्थ कहलाती है, क्रेडिट वर्थ या वास्तविक आयु? बताए फ्रेंड क्या कहलाती है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। वह अवस्था को क्या नाम दिया है उन्होंने? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएं क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या टर्मिनल वर्थ है, क्या आधार वर्थ, क्या क्रेडिट, क्या वास्तविक? चलिए विकल्प नंबर डी 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 अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, एक साथी का जवाब है विकल्प नंबर बी, बाकी सभी साथियों ने विकल्प नंबर डी को कमेंट किया है, तो बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। एक पोल हम लोगों ने जारी भी कर दिया है, यहाँ पर आपके परसेंटेज शो किए जाएंगे कि कितने लोगों ने कौन से विकल्प को कमेंट किया है, तो जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करिए, बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? क्या टर्मिनल वर्थ है, क्या आधार वर्थ, क्या क्रेडिट वर्थ या वास्तविक आयु? बिल्कुल फ्रेंड, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आधार वर्थ की संज्ञा देते हैं अल्फ्रेड विनय, मतलब कहने का होता है फ्रेंड यह बच्चे का आधार वर्थ गिना कहा जाता है इसको, क्योंकि इस स्तर में बच्चा क्या करता है, लगभग उसका जो मानसिक स्तर रहता है वह पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, इसलिए इसको आधार वर्थ का नाम देते हैं। अगला, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? स्मरण योग्यता, संगीत की योग्यता, वाक्पटुता या तार्किक क्षमता? बताइए फ्रेंड, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता के वर्गीकरण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता के वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, स्मरण योग्यता है या सम्मिलित है, वाक्पटुता है यह भी सम्मिलित है, तार्किक क्षमता है यह भी सम्मिलित है, जो नहीं है फ्रेंड वह है संगीत की योग्यता। संगीत की योग्यता फ्रेंड होवर्ड गार्डनर, जी हाँ, होवर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत में सम्मिलित है, यह प्राथमिक है मानसिक थर्सन के जो है प्राथमिक मानसिक योग्यता में सम्मिलित नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
बी इधराटे से संगीत की योग्यता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, काफ़ी सारे साथियों ने इसका बिल्कुल सही कमेंट किया है आंसर। बी कमेंट करने वाले जो साथी हैं उनका जो परसेंटेज है फ्रेंड 75% है। लगभग 75% साथियों ने बी को कमेंट किया है, 12% लोगों ने सी को और 12% लोगों ने डी को। तो बहुत अच्छा, आप सभी लोगों के परसेंटेज बहुत बढ़िया है बी को कमेंट करने वाले साथियों का। बस इसी तरीके से लगे रहिए फ्रेंड, निश्चित ही आप आगामी भर्ती में सफल होंगे। अगला फ्रेंड मैक्लेलैंड। जी हाँ, मैक्लेलैंड योगदान निम्नांकित में से किस क्षेत्र में सबसे प्रमुख है? उपलब्धि प्रेरणा, संबंध की आवश्यकता, आक्रामकता, प्रेरणा, शक्ति प्रेरणा। तो बताएं फ्रेंड, मैक्लेलैंड की योगदान निम्नांकित में से किस क्षेत्र में सबसे प्रमुख है? उपलब्धि प्रेरणा, संबंध की आवश्यकता, आक्रामकता, अप्रेरणा, शक्ति प्रेरणा। जल्दी से बताइए, बात कर रहे हैं मैक्लेलैंड की। तो मैक्लेलैंड का योगदान फ्रेंड जो सबसे प्रमुख रहा है वह उपलब्धि और प्रेरणा में रहा है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर फ्रेंड, कि उपलब्धि और प्रेरणा के अंतर्गत मैक्लेलैंड का योगदान सर्वाधिक रूप से रहा है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब लगभग लगभग सही हैं। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? स्टार लगा के रखिएगा फ्रेंड, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में सीधे तौर से पूछ लिया गया है। फटाफट बताए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तैयारी, प्रदीप्त, सत्यापन, उद्भवन। उद्भवन, सत्यापन, प्रदीप्त, तैयारी। प्रदीप्त, तैयारी, सत्यापन, उद्भवन, या तैयारी, उद्भवन, प्रदीप्त या सत्यापन। बताए फ्रेंड कौन सा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है। फ्रेंड जो ये क्रम है इसका याद रखिएगा, सबसे पहले तैयारी, उसके बाद उद्भवन, उसके बाद प्रदीप्त, उसके बाद सत्यापन। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, यही क्रम है सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं के क्रम का। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सभी साथी के जवाब बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? टर्मन, बिने, स्टर्न, स्पीयरमैन। यह क्वेश्चन अभी तक के सेट का सबसे सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जवाब दें, क्या है मानसिक आयु का संप्रत्यय? आप सभी को पता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। बिने महोदय ने सर्वप्रथम मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था, जबकि टर्मन ने सन 1916 में बुद्धि का संशोधित फार्मूला प्रस्तुत किया था, जो है MA/CA × 100, मतलब मेंटल एज अपान क्रॉनिकल एज इंटू 100। यह बुद्धि का संशोधित फार्मूला सन 1916 में टर्मन ने प्रस्तुत किया था। तो विकल्प नंबर ए बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जबकि बुद्धि का पहला फार्मूला 1912 में स्टर्न तथा कोहरमार ने MA/CA ही दिया था। स्टर्न तथा कोहरमार्ग ने 1912 में इस फार्मूले को दिया था, संशोधित दिया था टर्मन ने। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार है फ्रेंड, सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला, एक शिक्षक के रूप में आप यौन शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? या फ्रेंड, एक शिक्षक के रूप में आप यौन शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? सभी विद्यालयों में अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को उनके नए सामाजिक बदलावों का समायोजन करने में सहायता मिलती है। इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा विद्यालयों में नहीं देना चाहिए। यह माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने बच्चों को सब बताएं। डी, इससे विद्यालय के वातावरण में बाधित करने की संभावना होने लगती है। फ्रेंड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड, कि सभी विद्यालयों को अनिवार्य कर देना चाहिए
क्योंकि यह विद्यार्थी को उनके नए शारीरिक बदलाव का समायोजन करने में सहायता देते हैं। क्योंकि फ्रेंड की विद्यालय में बालक और बालिकाओं में निश्चित एज में मतलब एक निश्चित अवस्था में कुछ यौन विशेषताएं आने लगती हैं, तो उन विशेषताओं का भली भांति से उनको जानकारी देना विद्यालय का कर्तव्य होता है और इससे किस प्रकार के समायोजन करें यह भी विद्यालय के मार्गदर्शन में होना चाहिए। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सिंपल सा आंसर है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा चक्र का क्रमिक कदम नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रेरणात्मक चक्र का क्रमिक कदम नहीं है। प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता या प्रेरणा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रेरणात्मक चक्र का क्रमिक कदम नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, क्या प्रणोद है, क्या प्रोत्साहन है, क्या आवश्यकता है, प्रेरणा है। नहीं है, प्रणोद है, प्रोत्साहन है, आवश्यकता है। तो जो नहीं है फ्रेंड, आप समझ चुके हैं कौन सा नहीं है, तो विकल्प नंबर डी नहीं है, प्रेरणा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।